बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रसोई जायका। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ज़बरदस्त सी स्वीट डिश है। और ये कस्टर्ड सेवइयों का थोड़ा सा मैंने मिक्स करके कुछ बनाया है, तो ज़रूर आई होप आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी की। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1.25 किलो दूध, जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। 5-10 मिनट उसे बॉयल किया और हल्का सा ठीक हो गया। ये देखिए, अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ सिवैयाँ। लेकिन ये देखिए, मोटी वाली सिवैयाँ यूज़ करेंगे, बारीक नहीं। मोटी वाली यूज़ कर लिए, या फिर एक पास्ते की फॉर्म आती है बिल्कुल लास्ट फॉर्म, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून पहले हमें क्या करना है, इसे बॉयल कर लेना है। तो ये कच्ची नहीं डालनी, बॉयल करके डालना है 2 टेबल स्पून। ये देखिए, इस तरह की बॉयल करके हमें डालनी है। और जी, पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर हम ये डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से गल जाएगी, गल तो ऑलरेडी गई है, लेकिन हमें 5 मिनट इसे पकाना है। अब इसे हम पका लेंगे 5 मिनट तक, फिर हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में लिया है 2.5 चम्मच 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, केसर वाला ये फ्लेवर का, आप वैसे भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दूध मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया है, इसमें से थोड़ा सा डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके छोड़ देंगे। अभी जब ये 5 मिनट बाद पक जाएगी सेवइयाँ, इसमें फिर हम ये डालेंगे। कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है और हल्के से पक भी गई है। देखिए, 5 मिनट हो गए चलाते हुए मुझे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें पहले शुगर डालेंगे, फिर कस्टर्ड। तो शुगर मैं ले रही हूँ 1/2 कप का करीब। ये देखिए, मोटी वाली शुगर है ये, तो ये मीठी ज़्यादा है। अगर आपके जो शुगर है कम मिठास की हो, तो आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डालेगा। यहाँ पे मैं 1/2 कप डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम कस्टर्ड डाल देंगे। चीनी अच्छे से मिल चुकी है, अब हम डालेंगे इसमें कस्टर्ड। देखिए, मिक्स करके जो रखा था वो डाल देंगे हम इसमें, 2 से 2.5 चम्मच या 3 भी ले सकते हैं। और मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली जब तक ठीक ना हो जाए। अभी ये बहुत गर्म है, इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर। फ्लेम ऑफ कर रखी है मैंने, 2-3 घंटे रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहेगा। उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में भी इसे 2-3 घंटे रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसमें कुछ और चीज़ें मिलाएंगे और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेट हो चुका है 3-4 घंटे में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है कटा हुआ सेब, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, और एक केला लिया है, जिसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा स्लाइसेस में काट लिया है। और इसके अलावा ये मैंने कैरेमल बनाया था, सिंपली शुगर थी, उसे मैंने मेल्ट करके और प्लेट में डाल दिया था, और फिर जब वो सख्त हो गया तो उसे तोड़ लिया था। इसमें डाल देंगे ये देखिए ड्राई फ्रूट्स कूटे हुए, जिसमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। आप अपने मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 तरह के लिए ही हैं जी। इसको पटा देंगे कैरेमल, टुकड़ों में डालते हैं छोटे छोटे, बहुत ही यम्मी लगता है कैरेमल इस डिश के साथ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, और फिर हम इसमें डालते हैं जैली। देखिए क्यूब्स मैंने काट लिए, थोड़ी थोड़ी ये डाल देंगे। बहुत ही लुक वाइज बहुत ही मज़े का लगता है, लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपके बच्चों को कैसी लगी। तो लीजिए, बनकर रेडी है क्विक एंड ईजी डिज़र्ट है ये सेवइयों का, और
कस्टर्ड का, तो उसी में, और कस्टर्ड का बहुत ज़बरदस्त डिसर्ट है, मिनटों में बन जाता है। जब भी आपके मेहमान बिन बुलाए मेहमान आए तो आप उनको ये डिश बना कर खिलाएँ, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपका इस तरह के और डिशेस पेश कर सकूं। और अगर आपको थोड़े से डाउट है या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे इस रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे ऐसी एक यूनिक और डिफरेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना हाफिज़, सी यू सून।